अब जिस तरह की फिल्म हिट हो रही है आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा मैं मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था लेकिन वो बहुत चलती है यार अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते ये पसंद करने के लिए अब मैं एक्टर हूं कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूं अब उसकी अवकात हो ना हो लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूं आपके ऊपर एक फिल्म उसकी गिर जाए चलो दूसरी फिल्म में मैं लूंगा तीसरी दस फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयां कम नज़र आने लगती हैं और आ, आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का क्यों, कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पर मजबूर करते हैं और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्में हैं उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार दो फिल्मों में फर्क है है वो जिंदा दो फिल्मों में अच्छा और बुरा जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे जो उसको हम अच्छा कहने लगे हैं वो और ये अच्छा इसमें बहुत अंतर है तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं आज मैं हैरान हूं मैं तो जाता नहीं मैं सच कहता हूँ मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है मैंने ऐसे किया वैसे क्या उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलू और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज निकल गया ना तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज अब है भाई इंसान है एक आधा इधर उधर हो जाता है लेकिन वो नहीं होता तो हमें वो मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया जितना जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार यहां बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है और ये मैं सच कहता हूं मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए तो मुझे वो खाम, खाम, खाम वो कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा लेकिन नहीं ये फिल्म है अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो मैं शायद नहीं जाता लेकिन भी मुझे... मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है मैं हूँ मैं मेरा खून है मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है Has the industry opened up to you uh, now? And what kind of films will you be doing, sir? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार. And uh, welcomes, अभी uh, एक uh, हुई है and you're not part of it. जिसमें हम नहीं कर रहे हैं. Yeah. So why is it, what is going on हम अब उनको family? लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया hmm, मैं इतना है। सिंपल है और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं लोग आएंगे आपको पूछेंगे आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं करना चाहते हैं उतनी ही जान मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें बस बाकी कुछ नहीं है एक को काम मिलता है सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते है, इसके हैं इसके ऊपर निर्भर है